अब कहाँ है और किस हाल में है विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी? कभी विकी के इश्क में थी गिरफ्तार, बाबी डॉल कटरीना की वजह से हुई थी प्यार में धोखे की शिकार, ब्रेकअप के सालों बाद जिंदगी में दोबारा आई प्यार की बहार, बीते एक साल से चुपके चुपके इश्क चढ़ रहा है परवान। ओटीटी की पॉपुलर एक्ट्रेस हरलीन सेठी एक बार फिर सुर्खियों में छाई है। जी हाँ, वही हरलीन जो किसी जमाने में कटरीना कैफ के डार्लिंग हस्बैंड विकी कौशल के साथ अपनी लव स्टोरी की वजह से चर्चा में छाई रहती थी। हरलीन ओटीटी वर्ल्ड का पॉपुलर फेस है और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, काठमांडू कनेक्शन, कोहरा जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। अब एक बार फिर हरलीन चर्चा में छाई हैं, लेकिन इस बार हरलीन के सुर्खियों में आने की वजह कोई नई वेब सीरीज नहीं बल्कि उनकी नई लव स्टोरी है। जी हाँ, विकी से ब्रेकअप के 4 साल बाद हरलीन सेठी अपनी न्यू लव स्टोरी की वजह से सुर्खियां बटोर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरलीन ने अपनी जिंदगी में लव को सेकंड चांस दिया है। वो बात अलग है कि विकी के साथ खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाने वाली हरलीन ने इस बार अपने प्यार को सीक्रेट बनाकर रखा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, तो कुछ ऐसा ही हरलीन के साथ भी हुआ है। हरलीन के सीक्रेट लव की पोल खुल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरलीन इन दिनों एक्टर वैभव राज गुप्ता के साथ रिलेशनशिप में हैं। दोनों बीते एक साल से डेटिंग कर रहे हैं। दोनों ने अभी तक अपने प्यार को जमाने की नजरों से छिपा कर रखा है। हालांकि कहा जा रहा है कि हरलीन और वैभव अब अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं और जल्द ही रोका करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वैभव भी ओटीटी वर्ल्ड का पॉपुलर फेस है। वो गुल्लक, नूर और आश्चर्यचकित जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा साक्षी तंवर की वेब सीरीज माई में भी उनको देखा गया था। हालांकि हरलीन और वैभव ने अभी तक अपनी डेटिंग या फिर रोके की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बात करें हरलीन और विकी कौशल के अधूरे रिश्ते की, तो दोनों की लव स्टोरी जितनी चर्चित रही थी उतना ही शॉकिंग दोनों का ब्रेकअप रहा था। प्यार में धोखे की शिकार हुई थी हरलीन। कहा जाता है कि विकी कौशल ने बॉलीवुड की बाबी डॉल कटरीना कैफ की वजह से हरलीन को धोखा दिया था। विकी ने जब बॉलीवुड में सक्सेस का स्वाद भी नहीं चखा था और इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हीं दिनों में हरलीन ने विकी की जिंदगी में दस्तक दी थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इनका प्यार तेजी से परवान चढ़ा था, लेकिन अफसोस शायद इनके प्यार को किसी की बुरी नजर लग गई थी। साल 2019 में जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की रिलीज के बाद हर जगह विकी कौशल के चर्चे हो रहे थे, उन्हीं दिनों में हरलीन के साथ उनके ब्रेकअप की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था। किसी ने इस ब्रेकअप का जिम्मेदार मालविका मोहन को ठहराया तो किसी ने कटरीना कैफ को। बाद में जब विकी और कटरीना के गुपचुप प्यार के किस्सों ने सुर्खियां बटोरनी शुरू की थी, तब ये साफ हो गया कि वो कटरीना ही थी जिनके चलते हरलीन की जिंदगी में ब्रेकअप वाला फेज आया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।